हेलो फ्रेंड्स, तो हमेशा की तरह आज फिर से आपको एक वंडरफुल प्रोडक्ट मैं दिखाने जा रहा हूं। तो पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपके कार में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है बाय डिफॉल्ट, मींस आपके इंस्ट्रूमेंट कंसोल में या इस डिस्प्ले में अगर टायर प्रेशर बाय डिफॉल्ट शो नहीं करता है, तो आप एक ऐसा इक्विपमेंट ले सकते हैं जिसमें रियल टाइम टायर प्रेशर शो होगा। वो है सेंस एरी TPMS, जो आप ये देख रहे होंगे सामने। ये आप देख रहे होंगे इस टायर का प्रेशर बता रहा है, चारों टायर का मेरे 34, 34, 33 और 34, और साथ में टेम्परेचर भी है। और टायर प्रेशर जो है वो PSI में बता रहा है। इसमें दो ऑप्शन है, आइधर PSI और KPA, ये दोनों में बताता है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, और इसके साथ चार सेंसर हैं जो चारों टायर्स में हैं। एक्चुअल में पांच सेंसर्स हैं, जो स्टेपनी है, जो मतलब आप जो स्पेयर टायर है उसमें भी है। तो आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि वो सेंसर कैसे इंस्टॉल होता है। तो वो जो चारों सेंसर है वो ब्लूटूथ से इससे कनेक्टेड है, और उन चारों सेंसर में एक CR2032 बैटरी लगी है, जो एक बटन बैटरी होती है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। और ये एक बहुत ही लाइफ सेवर प्रोडक्ट है। आप कहीं हाईवे पे जा रहे हैं, आपकी कार में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है और आपकी कार का टायर पंचर हो जाता है, तो आप इमेजिन करो आप कितने मेस में पड़ जाते हो। और आपको ये भी पता है कि टायर प्रेशर अगर परफेक्ट रहेगा तो गाड़ी से एवरेज भी सही मिलता है। तो इन एनी वे ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, तो मैं इसे रिकमेंड करता हूँ। और मैं एक और चीज क्लियर करना चाहता हूँ, ये कोई सेंसेरी कंपनी जो है जिसका मैं यूज करता हूँ, इससे कोई स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट नहीं है, ये स्पॉन्सर्ड वीडियो भी नहीं है। ये बस मैं यूज करता हूँ, मुझे ये हेल्पफुल लगा, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, जैसा मैंने बताया चारों टायर में इसका सेंसर है, तो चलिए मैं आपको एक टायर दिखाता हूँ। टायर्स में एयर भरते हैं जहाँ से हम लोग, वहाँ पे ये इंस्टॉल होता है। और इसमें एक नट है, इसके सिक्योरिटी फास्टन हो जाता है। देखिए अभी मैं इसे खोल नहीं पा रहा हूँ, इसे खोलने के लिए मुझे एक स्पैनर लगेगा। तो ये आप ये इसको थिफ्ट का भी इशू नहीं है इसमें, ये बहुत ही अच्छे से प्रोटेक्टिव है। देखिए चारों टायर में है, वो लेफ्ट टायर में था, रिवर्स के लेफ्ट में था, ये फ्रंट के लेफ्ट में है। फ्रेंड्स अभी शाम का समय है, मैं दिन में वीडियो कंप्लीट नहीं कर पाया था, तो अभी सोचा हूँ कंप्लीट करता हूँ। तो अभी हम लोग फिर से निकल रहे हैं बाहर घूमने थोड़ा। और देखिए जस्ट मैंने अभी कार ऑन किया है, तो अभी यहाँ पे सेंस नहीं हुआ है प्रेशर कितना है चारों टायर्स में। तो जैसे ही अभी हम मूव करेंगे तो ये इसमें प्रेशर आ जाएगा। तो बाकी का वीडियो मैं अभी कंटिन्यू करूँगा। देखिए दो टायर में आ गया, कितना प्रेशर है अभी, आगे के फ्रंट के दोनों बाकी है। तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है ये, और चलिए आगे वीडियो में आपको बताता हूँ क्या क्या फ़ायदे हैं इसके। कि आपके टायर में अगर एक्सेस प्रेशर हो गया तो आप स्टे कर सकते हैं, आप रुक सकते हैं बीच में और एक्सेस एयर को निकाल सकते हैं, या आपके टायर में प्रेशर कम है तो वो भी ये बताएगा। तो एक लाइफ सेविंग डिवाइस है। तो ये मेरे विंडशील्ड पे माउंट है जैसे आप देख सकते हैं, और ये USB पावर्ड है। इसके अंदर कोई बैटरी नहीं है, तो आपको कार की USB पोर्ट पे जहाँ पे भी होगा आपको ये कनेक्शन देना होगा, ये चल सकता है। साथ ही साथ इसका कनेक्शन आपको एंड्रॉयड ऑटो से भी है। आप अगर आपके कार में एंड्रॉयड ऑटो सपोर्टेड है तो उस पर ये वर्क करेगा, और अगर आपके पास एप्पल वॉच या दूसरी एंड्रॉयड सपोर्टेड वॉच है तो उस पर प्रेशर आएगा, प्रेशर का फिगर उस पर भी रिफ्लेक्ट करेगा। तो एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, और इसको आप बाइक में भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास चार सेंसर है, अभी मैंने कार में लगाया है, इन्हीं दो सेंसर्स को निकाल के मैं अपने बाइक में भी यूज़ करता हूँ, और ये बहुत ही अच्छा हैंडी डिवाइस है। और चलिए मैं आगे आपको और रिव्यू देता हूँ इसका। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी कुछ दूर चलाने के बाद आप देखिए अभी जो कार का टेम्परेचर है और प्रेशर है, जो मैंने स्टार्ट किया था तो चारों टायर में 31 था, अभी देखिए दो में 32 है, तीन में 32 है और एक में 31 है, और चारों टायर्स का टेम्परेचर कुछ बढ़ा है। तो इसीलिए बोला जाता है जो करेक्ट टेम्परेचर है, जो प्रिस्क्राइब्ड है चारों टायर्स में, आपके टायर में भी वो प्रिंटेड होता है, उतना ही रखना चाहिए। क्योंकि इमेजिन कीजिए आप किसी हॉट समर डे में आप हाईवे पर चल रहे हैं और आपने शुरू से ही प्रेशर 35-36 रखा है, तो सोचिए एक दो घंटे कार लगातार चलने के बाद प्रेशर 40 क्रॉस हो जाएगा, उसके बाद टायर कभी भी ब्लास्ट हो सकता है, इसलिए इसको ध्यान में रखना चाहिए। तो चलिए अभी अब मैं आपको मोबाइल का इंटरफेस दिखाता हूँ। ये देखिए मेरा एंड्रॉयड फ़ोन है, इसमें मैंने कॉन्फ़िगर कर रखा है,
जैसे आप देख रहे होंगे ये कार का ऑप्शन है, ये बाइक का है। जैसे मैंने कार पे प्रेस करूंगा अभी, देखिए चारों टायर के प्रेशर आ जाएंगे इस पे। और जैसा मैंने बताया ये चार सेंसर से, इसी में से दो मैं बाइक पे यूज करता हूँ। तो अभी बाइक में कुछ नहीं आएगा क्योंकि अभी सेंसर उसमें डाले हुए नहीं है और कन्फिगर्ड नहीं है। चलिए अब मैं अपने आप कार में दिखाता हूँ। मेरे पास i20 एक्टिव है 2017 मॉडल, वो एंड्रॉयड ऑटो सपोर्टेड है। तो देखिए एंड्रॉयड ऑटो से मेरे ये जो कार का डिस्प्ले है इस पे भी चारों टायर के टेम्परेचर और प्रेशर आ गए। तो अभी मेरे एप्पल वॉच है मेरे पास, इस पे कन्फिगर्ड नहीं है, नहीं तो इस पे भी आ सकता है वो। तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है सेंसियरी का और कहीं से भी ये स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि मैं इसे यूज करता हूँ और मुझे बहुत हेल्पफुल और मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा। एक दो बार टायर पंचर होने के बाद जैसे हवा निकलती है तो यहाँ शो हो जाता है, एक बीप बजता है। तो चूंकि मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा है तो मैं सोचा मैं आप लोगों को भी बताऊं। और तो इसके क्या है मैं लास्ट बार एक बार फिर से बता सकता हूँ, चार सेंसर है, चारों टायर के जो एयर के नोजल होते हैं वहां लगे हैं, वो ब्लूटूथ से इस डिस्प्ले से कनेक्टेड है, मोबाइल से कनेक्टेड है, एंड्रॉयड ऑटो से प्राइमरी डिस्प्ले से भी कनेक्ट हो जाएगा। ये आपके ऊपर आप कैसे इसे कनेक्ट करना चाहते हैं। मैंने इसके लिए एक अलग से डिस्प्ले लिया है सेंसरी का, इसे HUD कहते हैं, तो वो डायरेक्टली पेयर्ड है इसे ब्लूटूथ से। तो ये तीन ऑप्शन है, आपको जो भी सही लगे आप इसे ले सकते हैं और मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये प्रोडक्ट यूज कीजिए, ये बहुत ही हेल्पफुल प्रोडक्ट है। और इस प्रोडक्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, एक छोटा सा वीडियो था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट के लिए, जो कि स्पेशली कार वालों के लिए जिनकी कार पुरानी है और जिनकी कार में टायर प्रेशर मॉनिटर इंस्ट्रूमेंट कंसोल में बाय डिफॉल्ट नहीं दिया गया है, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और टू व्हीलर वाले भी यूज कर सकते हैं इसे। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। बाय।